कहीं ना कहीं जो ये हम देखते हैं कि ये मेंटली डेड जो बनाया जा रहा है, तो ये इसके ये पूरी ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि कभी ये सारी एक कवायद करने के लिए अलग अलग स्टोरीज हमें सुनने के मिलते हैं, कभी बहत्तर हूर, कभी जन्नत का ग्राफिक्स प्रेजेंट करना, कभी मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एक जो सुसाइड बॉम्बर था उसने वो पकड़ा गया था और वो शायद वो खुद वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर पाया था, तो जब पुलिस ने उसको चेक किया तो उसने अपने लोअर एब्डोमेन पे बॉम्ब वगैरह बांधा हुआ था, और अब उसका जो जेनाइटल था उस पे उसने कोई कोई कुछ लोहे मेटल का कोई का हाँ जी मेटालिक कोई कवर या कुछ तो पहना हुआ था। तो पुलिस ने पूछा कि ये सब क्या है, क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि जब मैं मर जाऊंगा और 72 हूरों के पास जाऊंगा तो मैं आई कैन एंजॉय सेक्स विद यस 72 वर्जन्स। तो ये सारी चीजें क्यों की जाती है जबकि रेशनैलिटी को बिल्कुल जगह नहीं दी जाती है। हम चाहे आप जब पाकिस्तान की बात करें या और भी हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो देखिए, वही इंडिया इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान का मुसलमान अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का नहीं मानता। आप किसी लाहौर के शहरी से कहिए कि आप अरब हैं या हिंदुस्तानी हैं, वो छूटते ही कहेगा अरब। अरब से पूछिए तो कहता है ये घटिया पाकिस्तानी कहां से अरब हो गया, वो थूक देता है हम पे। ये वाहिद लोग हैं जिनसे जो लोग नफरत जितना करें ये उतना उसके तले चाटते हैं। अब बताइए, तुर्की में टीवी के ड्रामों के हीरो जो हैं वो पाकिस्तान की नेशनल डे परेड में उनकी म्यूजिक चला दी। ये उनकी जी झूठी कहानियों पे पलते हैं, तो वो कितना जी हंसते होंगे अर्तुगरुल गाजी आया, अर्तुगरुल बताओ गाजी क्या आया कि लाखों करोड़ों अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में पैदा हो गए, हर बच्चे बताइए। पैदा होने वाले का नाम अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल किसी का नाम अशोक नहीं रखेंगे, अर्तुगरुल रखेंगे। आप बताइए मुझे कि सूरज नाम नहीं रखेंगे, आफ्ताब महताब रख देंगे, चांद या सूरज नहीं रखेंगे ना? आपको मुसलमान मिलेंगे नहीं सूरज नाम का, शम्स जरूर मिलेंगे। शम्सुद्दीन भाई क्या हाल है, आजकल पान खा रहे हैं? हाँ, वो शम्स मिल जाएगा, अरे उसको सूरज कह दो। तो ये जब आप अपनी ही माँ को जो जमीन है उससे नफरत करते हो, तो ये कहां से हुआ? जब फौजें आईं लूटने के लिए हिंदुस्तान से हजारों औरतों को ले जाके दमिश्क में और बगदाद में बेचा, वहां हिंदी नाम है, अरब अरब कंट्रीज में लास्ट नेम हिंदी कहलाता है, उनको आप सेलिब्रेट करते हैं जिसने आपकी माँ को रेप किया। जी औरतों की तो फौज नहीं आई ना, यहाँ की हिंदू, हमारी माएं तो सारी हिंदू हैं, बाप का तो छोड़िए, औरत तो थी नहीं। तो ये मुसलमान जो पैदा हो रहे हैं, ये तैमूर है या बलबन है या बाबर है, ये इसके पीछे क्यों मरे जाते हैं? इसलिए कि दे हैव नो सेल्फ डिग्निटी अबाउट देम सेल्व्स। जो लोग अपनी जमीन से नफरत करते हो और कुछ और बनना चाहते हो, उनसे जमीन भी नफरत करती है। ये एंटिटी है, अर्थ इज अ रेयर लिविंग पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर एक छोटा सा, इतना सा, इतनी सी जमीन है जिसके ऊपर लोग रहते हैं। उससे आपको, उस जमीन से नफरत है, आपको जाना है कहीं बाई स्पेस, दुनिया जा रही टेलीस्कोप देखने, आप जा रहे हूरों के पास। हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ? आपने पढ़ाई कुछ नहीं स्पेस में, इतना बड़ा टेलीस्कोप जो गया इस वक्त, आप मुझे बताइए कितने मुसलमान घरों के अंदर कैसी वो। बातें कर रहे हैं, पढ़ा तो है, बताते हैं है ना मौलाना स्पेस के बारे में, नदी की कैसे दूध की नदियां होंगी, शहद की नदियां ना होंगी, किस स्पेस तरह के ही बाग नहीं, होंगे। ना दैट इज नॉट स्पेस, दैट इज नहीं इमेजिन। वो उनका इमेजिनरी स्पेस है ना, यही तो स्पेस साइंस पढ़ाई जाती है, और इसके अलावा तो कोई साइंस साइंस ही नहीं है। अभी ना हूरों ना के बारे में ना, बताया आप जाता है। इनकी देखिए ना, ये तो उस वक्त होगा अगर पिंकी और पिंकिस्तान वाले लोग कहें कि हम ये हमारा यूनिवर्स के बारे में आइडिया है कि देयर विल बी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे प्लूटो है या सैटर्न है, इस टाइप के प्लैनेट्स दूसरे सूरजों के इर्द गिर्द घूमते हैं, वहां लाइफ होगी, तो हम
वहां जाके देखे, इंडिया से भी गए हैं रॉकेट्स मार्स को, रूस, अमेरिका, चीन, दुनिया में हर जगह लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की यूएई तक अपने इन्वेस्ट कर रहा है कि बाहर है क्या, ये जो हिंदुस्तान तस्वीर का मुसलमान है ये पिंकी ढूंढ रहा, शहद की नदियां ढूंढ रहा, अरे किधर से इतनी मक्खियां आ गई जिसकी नदी शहद वह कहां से आती है, इनसे यही तो फैक्ट्री सवाल यही है ना कि ये कहानियां कहां से आई हैं और किसने गढ़ी हैं कहानियां, क्योंकि हम देखते हैं चाहे खुदों में देखें, मेंबरों से देखें, चाहे जो लोगों को कट्टरपंथ सिखाते हैं, बच्चों को वरगलाते हैं और उन्हें दूसरी डगर पे पहुंचाते हैं, वो इस तरीके की कहानियां उनको सुना के उनको राह से भटकाने की कोशिश करते हैं। और एक एक एक, एक इंटरेस्टिंग सवाल और ये है कि अल्लाह से इतना ज्यादा डराया क्यों जाता है कि अल्लाह आपने अगर ये किया तो अल्लाह आपको दोजख में डाल देगा, आपके मुंह में अजदहा आ जाएगा, आपको जलते तेल में तला जाएगा, आपको आशोलों के आग के शोलों में डाल दिया जाएगा, तो अल्लाह रहमान और रहीम है या फिर हम अल्लाह से डर के रहे, रहमान और रहीम है तो उसे डरा क्यों रहा है वो तो। मैं आपसे एक बात क्लियर करके बताऊं कि इस्लाम जो एक मजहब था या धर्म था जिसका स्ट्रक्चर था सिंगुलैरिटी में कि इंसान ने किसी की पूजा नहीं करनी सिवाय उसके जिसने दुनिया को क्रिएट किया। अच्छा ये आपकी पहली खिलाफत जो डायनेस्टी बनी दमिश्क में वो तो उन लोगों ने बनाई जो पैगंबर के दुश्मन थे ना, ये मुआविया पूरा उमय्यद डायनेस्टी जिसका 150 साल बाद ऐसा कत्लेआम हुआ कि एक उमय्यद नहीं बचा सिवाय इसके जो स्पेन भाग गया क्योंकि उसकी बीवी बर्बर थी। आपने जब प्रॉफिट मोहम्मद की हर चीज को, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और आप अपने उस्तादों या मौलवियों से पूछ लीजिए कि कुरान का पहली आयत जो है वो है रीड इन द रीड, कमांड है पढ़ो, पढ़ो उसके नाम पे पैदा किया, दैट इज द फर्स्ट लाइक ऑफ रेवलेशन। आपको पता है कुरान में वो कहां मिलती है, सूरह 96। आप किससे पूछेंगे 96 पे किसने पहुंचाया उसको, ये इतनी प्रोफाउंड बात है कि पहला वर्ड कुरान में है रीड, और सबसे ज्यादा अनपढ़ दुनिया में लोग कौन है, मुसलमान, क्योंकि हमको पढ़ना जरा मुश्किल लगता है ना कि अगर सबने पढ़ लिया और कहा कि पढ़ो उसके नाम पे जिसने तुम्हें पैदा किया फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड, बोले ये नहीं हमारा तो खानदान खिलजियों का है, हम ये ब्लड व्लड कहां से आ गया भैया, इसको पीछे डालो। तो आपने जब अबू सुफियान इस्लाम की पहली वो रखेंगे, बुनियाद रखेंगे और उमय्यद डायनेस्टी बनेगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, शरिया तो उसके बाद लिखा गया ना। अब प्रिंस बंदर बिन सुल्तान क्राउन प्रिंस, एमबीएस जो है बंदर बिन सुल्तान कह रहे हो अलग थे, मोहम्मद बिन सुल्तान सलमान, उन्होंने क्लियर कहा कि भाई ये तो 290 साल बाद लिखा गया है, मैं इस पर क्यों फॉलो करूं, तो उसके अगेंस्ट फतवे लग रहे हैं क्योंकि उसने सलमान खान को बुला लिया। यानी खुश क्यों हैं सऊदी इन पे, हिंदुस्तान के मौलवी को ये इतराज है कि सऊदी अरेबिया में लोग क्यों खुश हैं, ये फिल्में देख लें जाके बॉलीवुड की, सलमान खान वहां गया तो वो काफिर हो गया, ये आप मेंटेलिटी देखिए, इनको जस्टिन बीबर पे इतराज नहीं था, इनको सलमान खान पे था। और क्योंकि सऊदी अरेबिया में ये आई थिंक इट इज मिरेकल के वो बीएस टर्न कर रहा है, उसने कहा 50 साल के अंदर आई हैव टू मेक दिस लैंड एज प्रोग्रेसिव एज द रेस्ट ऑफ यूरोप, इसमें क्या बुराई है भाई, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लड़कियां काउंटर पे खड़ी होती हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, कार चला रही हैं, जो उनकी मर्जी आई, और ये सब इन जो ये जूनियर प्रिंसेस हैं इनकी माएं पढ़ने गई थी अमेरिका, वहां सोशल साइंसेस पढ़ी, सोशियोलॉजी आर्कियोलॉजी, उससे पढ़ लिख के आई हैं और ये बच्चे
उनकी जिनकी माएं पढ़ी लिखी होती हैं वो तो जाहिल नहीं होते ना। हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी माँ रोटियां पका पका के मर जाती हैं, जेहेज के अंदर जाती हैं, बोझ की तरह उतारी जाती हैं कि जा बेटी आज वापस नहीं आना, ये इतना पैसा जेहेज तुम्हें मिल रहा है, और उसमें भी जाके सास वहां कहती है ये तो नहीं मिला, स्त्री तो नहीं आई, और फ्रिज जो कहा था वो तो 110 वोल्ट का दे दिया, 220 चलती है यहाँ पे। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी की शादी में दहशत होती है दुल्हन की कि वो कहाँ जाके पड़ेगी, कौन उसकी पिटाई करेगा। मेरी बहन थी, उसको शादी के दूसरे दिन किचन में डाल दिया, बेटा आप किचन तुम्हारा है, तुम हो, अहो बावर्ची बन गई, मालिक मालिक बन गई, मालिक बन गई। द पुअर 17-18 ईयर ओल्ड गर्ल जो यूनिवर्सिटी मेरे साथ थी, उसकी शादी करवा दी माँ बाप ने, शी डाइड लास्ट ईयर, बट आई वॉज शॉक, शी वॉज बेटर देन मी इन एजुकेशन, शी वॉज डेफिनेटली ब्राइटर, गुड आर्टिस्ट, एवरीथिंग वॉज गुड, बट परेशानी क्या, लड़की तो हो गई 17-18 साल की, अब क्या बनेगा। पंजाबी में फ्रेजेज ऐसे हैं कि तनु कौन चुकेगा, ये माएं कहती हैं बेटियों को जी, ये गाली है लड़कियों बेटियों को शर्मिंदा करने के लिए, उठने के लिए काबिल हो जाओ, ये नहीं कहते कि हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, हाउ टू मेक बेटर चिल्ड्रन, हाउ टू एजुकेट। तो बहुत कहानी है हमारी, जो जिस जितनी लिबर्टी प्रॉफिट के जमाने में थी कि जिस जिनके खर्चा देवा अपने से 15 साल छोटे मर्द से कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है शादी करोगे, आप सोचिए एक एक औरत हो मुसलमान जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसने खदीजा को फॉलो किया, या एक मुसलमान आदमी मिल जाए, एक आदमी मिल जाए जिसने कहा कि मैं तो सुन्नत रसूल पे काम करूंगा और पहली बीवी मेरी बेवा होगी। Can you imagine? Name one person? No. एक सवाल मेरा और आपसे है, absolutely. एक और सवाल मेरा आपसे है कि अभी दो दिन पहले बीबी फातिमा की शहादत का दिन गुजरा है, क्योंकि मैशिया और हमारे यहाँ उनकी शहादत मनाते हैं, और मेरा आपसे सवाल ये है कि रसूलल्लाह के जाने के बाद उनकी बेटी फातिमा जो कि महज 18 साल की थी, उनको दरवाजा जला के उनके ही रिश्तेदारों ने उनको मार दिया, जबकि वो जिस हालत में थी, प्रेग्नेंट थी उस हालत में, दरवाजा एब्सोल्युटली। तो कहा ये जाता कि ऐसे क्या हालात बने कि महज 18 साल की उम्र में चंद दिन उनको गए हुए नहीं हुए थे, उनकी बेटी को इस बेरहमी से मार डाला और उनके बच्चे भी साथ में, दो लोग एक साथ गए। देखिए उनको चाहिए था, देखिए कितना बड़ा झूठ हमारे साथ कि अब वो जो पहले खलीफा थे अबू बकर, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ने मुझसे कहा है कि मेरी जो वो है प्रॉपर्टी वो मेरी बीवियों को मिलनी चाहिए, मेरी बेटियों को नहीं। तो फदक के जो बाग थे वो बीबी फातिमा से लेके, क्योंकि आयशा अबू बकर की बेटी थी, उनके हवाले कर दिया गया, और अली और फातिमा दे वर विदाउट अ सस्टेनेंस टू लिव ऑन एनीथिंग, भटकते रहे जी, उनको कोई इमाम अली को कोई मजदूरी भी नहीं देता था, हालात ऐसे बन गए ना, आपको एंड में तो कत्ल कर दिया ना। मैं तो कहती हूँ उनके जब ये हालात बने, फिदक जब बीबी फातिमा मांगने के लिए गई थी अपना हक, उस वक्त हालात ये थे कि मौला अली को कोई मजदूरी तक नहीं देता था उस जगह पे। मैं अब लोग कहेंगे शिया हूँ, मैं शिया नहीं, बाय द वे मैं सुन्नी, अहले हदीस है हमारी फैमिली, उसको छोड़े, लेकिन ये तो सारा डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बहस की, ये सब उसी वक्त का लिखा है। 18 घंटे प्रॉफिट मोहम्मद की बॉडी जून की मई की गर्मी के अंदर मदीना में अंदर बंद पड़ी, जो बाहर झगड़ा हुआ, जो जाके वो जो मदीना के लोग थे जो मेजॉरिटी मुसलमान थे, उन्होंने अपना जब जिसने पनाह दी थी प्रॉफिट को मदीना में, उन्होंने उनको चुना के, ये तो अबू बकर एंड उमर वेंट देयर
एंड टुक आउट हिज सोल्ड. कौन खड़ा 18 घंटे ये गड़बड़ चलती रही. ये तलवार आपके हाथ में, आप देखो कौन बात करता है. ये हर जगह हुआ है. दूसरे देखिए, अब इसराइलियों से झगड़े करते हैं. पहला अरब जो गया है जेरूसलम, वो गया है 61 में, जब हम फख्र से कहते हैं उमर जो थे वो ऊंट पे थे, सामने थे और ऊंट पे उनका गुलाम था. ऐसी ऐसी कहानियां सुना देते हैं हमें. वो दो आदमी ने जाके पता कर लिया जेरूसलम. बैतुल मस्जिद अक्सा के बारे में हमें क्या बताया जाता है और फैक्ट क्या है? अरे मस्जिद अक्सा तो मौजूद नहीं थी. जब हम कहते हैं कि मस्जिद अक्सा से पैगंबर हमारे आसमान को गए, मस्जिद अक्सा तो बनाई उमर ने जब कब्जा किया जेरूसलम पे, और वो भी यहूदियों की मदद से ईसाइयों को वहां से निकाला गया. हम ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, क्योंकि पढ़ना मुश्किल काम है. ये आसान आते कोई नावल थोड़ी है सस्पेंस में पढ़ रहे हैं. एनी बुक. और मैं आपसे बताऊं, मेरे पास आई वुड हैव एटलीस्ट 5,000 बुक्स जस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ी है एंड उनको चेक किया हर सोर्स से. लोगों से ये भी पूछा है कि ये पहली आयत 96 किसने की, नहीं बताता कोई, ना कोई जवाब देना चाहता, कुफर इल्जाम लगा देते. आप किसी मौलाना साहब से पूछ लीजिएगा कभी कि पहली सूरत को हटा के पहली वर्स ऑफ द कुरान, हाउ डिड इट बिकम द 96th वर्स, हु चेंज्ड इट? दे विल नॉट लेट यू आस्क दिस क्वेश्चन. व्हेन यू डोंट क्वेश्चन यू बिकम एन इडियट. हमारी बदनसीबी ये है कि हमें इडियट लोगों से प्यार है. इनकी बात हमें दे दो, इनकी समझ आ रहे, पर्दे के पीछे से भूत बोल रहे, ना कोई शक्ल देख रहा है ना आगे पीछे देख रहा. इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर मिल गया हमें, अवध के नवाब की 200 बीवियां 300 लौंडियां, वो भी हमें खुश है. वो कलकत्ता जा रहे हैं सब ऊँटों पर बैठ बैठ के. हर वो चीज जिससे हम बिल्कुल जन्नतुल बकी. वैसे हम देखते हैं कि जब भी चाहे इसराइल की बात हो या अभी हमने देखा कि हिंदुस्तान में धर्म संसद हुई, तो अभी जो बरेली के तौके रजा खान है उन्होंने काफी बड़ा जलसा किया फ्राइडे को और लाखों लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अब हमारा खून खौलने वाला है और मतलब बहुत उन्होंने जज्बाती तकरीर की. लेकिन हम देखते हैं कि जन्नतुल बकी जो कि जहाँ पे बेबी फातिमा की कब्र है उसको पूरी तरीके से एकदम फ्लैट कर दिया गया, मैदान कर दिया गया, यहाँ तक कि वहां पे किसी को फातिहा पढ़ने की भी इजाजत नहीं है. तो उसके लिए कोई मुसलमान आवाज उठाता मुझे नहीं क्यों नजर नहीं आता. हिंदुस्तान की बात कर लें या हम कहीं पे भी बात कर लें, कोई बकी के बारे में बात क्यों नहीं करता? और जिस जगह पे है रसूल की बेटी को कब उनकी कब्र का निशान तक नहीं छोड़ा गया, ये जुल्म नहीं, जुल्म की इंतहा है. ये बुलडोजर लाके जब इब्न वहाब की औलादों ने मदीना पे कब्जा किया. देखिए ये हिजाज का जो इलाका था ना, ये अब जो जॉर्डन के रूलर्स हैं ये इनके अंदर आता था, प्रिंस फैसल और ये सब. तब तक तो तुर्कों के जमाने में भी आप जा सकते थे वहां पे. ये जब इब्ने सऊद की फौजें आई हैं, जो वहाबी वहाबिज्म जिसे कहते हैं, जब उन्होंने कब्जा किया तो दे डिस्ट्रॉयड दिस कि कब्रों की पूजा नहीं की जा सकती. तो दुनिया में आप देखेंगे सारे मुसलमान इधर उधर हर एक की जगह पूजा करते हैं, लेकिन वहां पे देयर इज नो साइन. इनफैक्ट जो शिया इमाम हैं वो दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पे थी, जिनको याद है कि तो जो लोग सुन्नी भी जाते हैं वहाँ पढ़ के आ जाते हैं शरीफ ये सब. लेकिन आप इससे आपको अंदाजा ही होना चाहिए कि कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है. ये दो चीजों में मुसलमान पे कोई ट्रस्ट नहीं करता. आप अग्रीमेंट कर ले, हाँ साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, घूमते ही आपके पीछे छुरी को फोंक देगा. अब क्या करेंगे? ये क्या प्रॉफिट मोहम्मद से सीखा है इन्होंने? ये सीखा है इब्ने सुफयान से. आपने उठा के पूरा चेंज कर दिया, पूरी शरिया जो है
that was written after the Umayyads were in power in Damascus. एक और चीज नोटिस करिए, किसी एक खलीफा ने अपनी खिलाफत ना मक्का ना मदीना से, क्यों? पानी, दरिया नहीं था, और खूबसूरत लड़कियां जो बिजेंटिनियन और ईरान से मिलती थी उन्हें ट्रेड में, वो नहीं आती थी, वो आती थी बेचारी यमन और एबिसिनिया से, इथियोपिया की। उन्होंने कहा ये क्या है, वहां चलते हैं, वहां बहुत माल अच्छा मिल रहा है, दमिश्क और बगदाद में। नॉट वन कैटल, 1400 साल के अंदर नॉट वन पर्सन सेड कि जेरूसलम से हम हुकूमत करेंगे, मक्का से करेंगे या मदीना से करेंगे। आपको पता है कि एक मुगल नहीं है जिसने हज किया, नॉट वन। किसी सुल्तान ने जो दुनिया की पहली मस्जिद है कोचिन में जी, वहां नहीं गए। ये हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे बेचारे तमिलनाडु के, जो न्यू मुस्लिम लीडर टू विजिट दैट मॉस्क, नहीं यार केरला में ऐसे लोग छोटे काले होते हैं, हमें को बताओ सेंट्रल एशिया का तुर्क। जबकि इंडिया में इस्लाम आया है मलाबार से और तमिलनाडु से, जो यमन से ट्रेड करते थे, ये मोहम्मद बिन कासिम की बात है जी। ये देखिए हमारी बदनसीबी है, इस दौर में हो सकता है अकल आ जाए बाद में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें, ये आइडेंटिटी क्राइसिस, ये हम कहीं ना कहीं कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आता है। हम जब टीवी पे या किसी बड़े मंच पे बात करते हैं या कोई सवाल करते हैं तो हर कोई बड़ी मीठी से बात कर देता है, बात को घुमा देता है, लेकिन पीछे कुछ और ही बात करते नजर आते हैं, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, वहां पर जो लोग हैं किस क्वालिटी डेवलप हो रही है आए दिन, इसका हमें इसका पूरा देखने के लिए पूरा नजारा मिलता रहता है कि किस तरह इसका एक इलाज बता दूं। इसका एक इलाज मेरे पास है। वो जो मेरी किताब थी चेसिंग अ मिराज ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, वो हिंदी में भी अवेलेबल है आपके कौटिल्या बुक से। आप जिसको के सवाल में एक काम के नेक काम अगर तो वो किताब किसी को दे दे के पढ़ के बोले किसी आगे किसी और को दे दीजिएगा, क्योंकि 10 साल मैंने रिसर्च में लगाए कि इनकी वजह क्या है, कि हम इतने हमसे क्यों इतने गलत काम होते हैं। अगर हम बिलीव करें कि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कोई होता नहीं है, तो फिर ये सब अल्लाह मियाँ कर रहे हैं, 9/11 भी वो कर रहे हैं, कि कश्मीर के अंदर भी जो बदकारियां हो रही हैं ये सब भी वही कर रहे हैं। तो हम जो हमारी सोच है कि हमारा परफॉर्मेंस दुनिया में दैट इज टू बी स्टडीड, एंड मैंने ये पूरा ये हिजाब और ये जिहाद और ये हर चीज से इंडिविजुअली सेपरेटली, आई थिंक तमिल के अंदर भी उसकी ट्रांसलेशन हो गई है, लोगों से रिकमेंड कर दिया एक हिसाब ये है, और देनिया ना हो तो एड्रेस दे दिया करें तो यहाँ से बुक कर लिया, बिकॉज अदरवाइज दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जो बात कहते हैं या आप जैसे लोग जो इस तरह की बात रखते हैं उनको कोई उतनी अहमियत नहीं मिलती, या लोग उतनी वैसे सुनते नहीं है, उनको लगता है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है या एक्स वाई ज़ेड काफिर है वो, नहीं किसी ने कहा ना कि आप इंडिया के एजेंट है, तो मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है कि मैं इंडिया का एजेंट हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। आप किसके एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट है, यहाँ दिल्ली के अंदर लाइव ऑडियंस में से कह रहे हैं कि आप तो इंडिया के एजेंट है, अरे तो भाई मैं इंडिया का एजेंट हूँ तो आपको तो खुशी होना चाहिए, आपके दिल में पाकिस्तानी वो फड़क रहा है ना दिल, हाय अल्लाह क्या होगा पाकिस्तान का, क्रिकेट में जीत जाए ना, ये इंडिया क्यों जीत रहा, पटाखे आपके यहाँ बजे ना जब इंडिया हार गया जी, बिल्कुल तो जूते मारने के काबिल नहीं है, तो अगर मैं इंडियन हूं मुझे गुस्सा नहीं आएगा, टीम हमारी हार गई तालियां आप बजा रहे, और फिर हमें को निकाल के दिखाएं, हम निकाल के दिखा, अबे निकाल के क्या दिखाए, पाकिस्तान के तो मिनिस्टर्स कह रहे थे कि ये इस्लाम की जीत है, इस्लाम की जीत है, वाह वाह
बांग्लादेश खत्म हो गया, अफगानिस्तान की टीम हट गई, यूएई खत्म हो गया, बस उनका रह गया। ये वही थे ना पाव पाव के बम बनाने वाले, इनकी इनको विग नहीं बनानी आती अपनी, ये विग भी ताइवान से कहीं से सस्ते से मुल्क से इंपोर्ट करके सर पे लगा लेते हैं और विग का काला रंग करते हैं। ये आपको घटियापन पाकिस्तान के अंदर आके जो देखने को मिलता है कि एक आदमी विग खरीद रहा है और फिर विग को वो डाई कर रहा है और पाव पाव के एटम बम बना रहा है वो मिनिस्टर बैठा हुआ। इनको जबरदस्ती पुलिस पे लाके पंजाबी में इनका इंटरव्यू लिया जाए, अब फिर देखिएगा क्या, चलो मर जाएंगे शर्म से कि ये तो मेरी माँ बोल, मैं इस पे क्यों बोलूं शर्मिंदा। एनीवे तो मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं भागता हूँ। कोई इजाजत दे रहे, बिल्कुल आप, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की आज, मुझे आपने बहुत हंसाया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा सेशन देखने के बाद व्यूअर्स भी बहुत मजा लेने वाले। जिस तरीके से आपने पिंकी को जरूर भेजिए, इसका नाम करके आप इसका टाइटल रखिए पिंकी और पिंकिस्तान। जी ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, फिर जय हिंद।